अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप किसी मुश्किल में हैं और काफ़ी अरसे से उस मुश्किल से जान नहीं छूट रही, जादू हो गया, जिन्नात हो गए, इसी तरह कोई और मर्ज ऐसी हो गई जिसका इलाज पता न चल रहा हो, तो ऐसी सब सूरतों में आपने इस अमल को करना है। और जब तू चाहे कि अपने ख्वाब में वो हाल देखें जिसमें तेरी निकासी है उस तंगी से जिसमें तू मुब्तला है, तो वजू कर और पाक कपड़े पहन और किबला रू दाहिनी करवट पर ले और सूरत शम्स को 7 बार और सूरत लैल को 7 बार और सूरह इखलास को 7 बार और दूसरी रिवायत में सूरह इखलास के इवज सूरत 3 का 7 बार पढ़ना आया है। फिर यूं कहे, खुदावंद मुझको मेरे ख्वाब में ऐसा और वैसा दिखला दे और मेरे इस हाल में कुशादगी और निकासी कर दे और मेरे ख्वाब में वो चीज़ दिखा दे जिससे मैं अपनी दुआ के कबूल हो जाने को दरियाफ्त कर जाऊँ। तो अगर तू उसी रात में वो चीज़ ख्वाब में देखे जिसको तू चाहता है तो खूब हुआ, और नहीं तो इसी तरह दूसरी रात को कर। सो अगर मतलब हासिल हुआ तो बहुत ही खूब, और नहीं तो तीसरी रात भी इसी तरह कर। सातवीं रात तक इंशाल्लाह 7वीं रात के आगे ना बढ़ेगा कि हाल खुल जाएगा। इस अमल को काफ़ी मजबूर लोगों ने किया जिसकी वजह से अल्लाह जल्ला शानहू ने उनके मसाइल हल कर दिए और उन्हें दिखा दिए कि इसका रास्ता ये है।